नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक्सर में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक शेयर करना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। हम लोग जो है आज क्लास 10th की हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, और पूरा जो है विस्तार से, अगर आप हमारा ये वीडियो 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप 20 मिनट देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस की जो बेसिक प्रॉब्लम होगी सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी क्लास 10th की मैं इसमें जो है मैथ डिस्कस करने चल रहा हूं, और आपको एक एक क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक क्वेश्चन पूरा यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और तथा घंटी वाली बटन जरूर दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि हमारा वीडियो कब आया, कौन सा वीडियो आया, ये सारी चीजें। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का जरूरत हमको पड़ी कहां। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, हाइट मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब दूरी, अर्थात ऊंचाई दूरी जो इसका प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी। तो जब भी हमको किसी मकान की ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना हो, ठीक, किसी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो, किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना हो, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो इस सब से हमको जो है इसी सब का मान निकालने के लिए ऊंचाई दूरी की जरूरत पड़ी। इसका उपयोग हम करते कैसे हैं? तो ऊंचाई दूरी का मतलब यह है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे और त्रिकोणमिति में कुछ रूल होते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ फंक्शन होते हैं। आप पहले वो फंक्शन जान लीजिए। मेन फंक्शन जो हमारा है वो है साइन और कॉस और टैन। इसके लिए आप केवल एक चीज याद रखिए, क्या? लाल बटे कक्का। मतलब अगर आपको लाल बटे कक्का याद है, यही त्रिकोणमिति का बेस आपको पूरा क्लियर करेगा। त्रिकोणमिति का पूरा बेस आपका इसी से क्लियर हो जाएगा, लाल बटे कक्का से। मतलब कि अगर साइन थीटा लिखा है कहीं, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब यल और के का मतलब कर्ण। अगर कहीं यल बटे के लिख दिया हमने तो समझ लीजिएगा कि यल बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आपका बेस रहेगा, ये तीन चीज आपका बेस रहेगा। और लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए जब भी कोई त्रिभुज बनता है, जब भी कोई त्रिभुज बनता है तो इसी तरह बनता है। तो जो हमारा 90 अंश का कोण है, अर्थात जिस भुजा पर हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, वो भुजा हमारी लंब भुजा कहलाएगी। अगर मान लीजिए ये हमारा थीटा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है, इतना आप लोग याद रखिएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है। ये कोण हमारा थीटा है, इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा कहलाएगी, और इससे सटी भुजा हमारी आधार भुजा कहलाएगी, और तीसरी भुजा हमारी कर्ण भुजा कहलाएगी। ठीक, तो एक त्रिभुज में थीटा, लंब, कर्ण, आधार, ये तीन चीजें हमारी होती हैं। ठीक, तो ये तीन चीज आपको ये पता होना चाहिए और एक चीज आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन देखते होंगे, जब आप कोई भी क्वेश्चन देखते होंगे, हम उसको यहां पे लिखते रहे हैं लाल बटे कक्का। ठीक, जब आप कोई भी क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें दो शब्द मिलता है, एक मिलता है उन्नयन कोण और एक शब्द मिलता है अवनमन कोण। एक शब्द मिलता है उन्नयन कोण
और एक शब्द मिलता है अवनमन कोण। तो क्या चीज है उन्नयन कोण, क्या चीज है अवनमन कोण। जैसे जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं ये लिखा रहता है और कहीं कहीं ये लिखा रहता है, दोनों का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो पहले उन्नयन कोण समझिए। उन्नयन कोण का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मकान है, मान लीजिए कि ए और बी हमारा कोई मकान है, मकान के जो बी बिंदु है, बी बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है। यहां से जब हम मकान के शिखर को देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण थीटा होता है, इसका उन्नयन कोण थीटा होता है। तो अर्थात यहां पर थीटा जो है वो क्या है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण थीटा क्या है हमारा, उन्नयन कोण है। मतलब ये हुआ कि जब नीचे से कोई ऊपर वाली चीज देखेंगे, किसी नीचे जगह से, नीचे स्थान से, निचले स्थान से किसी ऊंचाई वाले स्थान को हम देखेंगे तो वहां पर उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन अगर अभी किसी ऊंचाई वाले स्थान से किसी नीचे वाले स्थान को देखा जाए, जैसे अगर यही हमारा क्या है, यही हमारा मकान है ए बी, यही हमारा मकान है और यहां से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु सी है, मकान की छत पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो यही बिंदु सी देखता है, तो उसका अवनमन कोण थीटा होगा। इसका जो होगा क्या होगा, इसका अवनमन कोण थीटा होगा। तो अवनमन कोण का मतलब ये होता है कि यहां पर जो कोण बनता है ये, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं अवनमन कोण। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं जेड की सीरीज बन रही है, जेड की तरह बन रहा है, तो जो कोण ये होता है वही कोण ये होता है, अर्थात ये दोनों अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये 30 अंश होगा तो ये 30 अंश होगा, ये 50 अंश होगा तो ये 50 अंश होगा, अर्थात दोनों मान हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अवनमन कोण का मतलब ये है कि जब हम कोई ऊपर वस्तु देखते हैं तो उसी के सीध में एक समांतर रेखा खींच दीजिए, नीचे से जो आधार है आपका उसके समांतर एक रेखा खींचिए, तो जो यहां पर कोण बनता है वही कोण हमारा क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो चलिए ये चीज थी बेसिक आपकी, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए ठीक, या मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। प्रश्नावली 9.1 है। प्रश्नावली 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम किताब ले लेते हैं ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा और मैं बुक से पढ़ाता हूं। लिखा है सबसे पहली चीज तो आप प्रश्न को समझिए, पढ़िए एक बार, पूरा प्रश्न पढ़ डालिए, उसके बाद देखिए कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्थल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें एक खंभा है और एक डोरी लगाई गई है खंभे से तन करके। तो चलिए अगर यही हमारा एक खंभा है ए बी एक खंभा है और यहां जो शिखर है, अब ये बताइए कि जब तंबू ताना जाता है या कोई डोरी तानी जाती है तो वो कैसे तानी जाती है, डोरी जब तानी जाएगी तो वो इसी तरह तो तानी जाएगी, तो जो डोरी तानते हैं वो डोरी तनी हुई है, तो डोरी जब जमीन पर कहीं गाड़ेंगे तो मान लीजिए जमीन पर बिंदु किस पर गाड़ा गया, सी पर गाड़ा गया। कह रहा है एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है, अर्थात ये जो डोरी है इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर लंबाई है। तो अब देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, हमको कह क्या रहा है, कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, अर्थात जमीन से ये डोरी जो है 30 अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है,
30 अंश का कोण बनाती है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लेंगे कि मान लीजिए खंभे की ऊंचाई बराबर यच, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लीजिए। तो देखिए हमको इसी का मान ज्ञात करना है, और ये है क्या, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि ऐसा कोई सूत्र बताइए जिसमें लंब और कर्ण दोनों चीज मिलती हो, तो हम एक फार्मूला अभी पढ़े हैं पीछे लाल बटे कक्का अर्थ बटे लाल से, केवल यही एक चीज याद रखिए, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, ये हमारा यस साइन है, ये हमारा कास है, ये हमारा टी है, यस सी टी, यही याद रखिए। तो देखिए लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण साइन का फार्मूला होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो यानी कि साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है यच बटे कर्ण कितना है 20। अब देखिए साइन 30 अंश का मान होता कितना है, तो साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2 बराबर है, बराबर यच बटे 20 है, यच बटे 20। अब देखिए यहां से तिरछा गुणा कर देंगे तो 20 इकन्नम 20 और 2 इकन्नम 2 यच, तो 2 यच बराबर 20, तो यच बराबर 20/2 अर्थात यच बराबर 2 × 20 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 10 मीटर, यही हो गया आंसर। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो एक बार वीडियो बैक कीजिए, बैक करके पुनः देखिए, समझ में आ जाएगा। अब आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब कि एक पेड़ है, मान लीजिए क्या है, एक पेड़ है, ये हमारा ए बी एक पेड़ था, और हुआ क्या, आंधी चल रही थी, आंधी की वजह से ये पेड़ जो है बीच से टूट गया, टूट करके जमीन के साथ टच हो गया और ये जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। जो पेड़ टच हुआ हमारा वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद से, मतलब पेड़ के पाद का मतलब होता है निचले सिरे से जमीन की, मतलब जो पेड़ टच किया गया है, पाद लिखा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है हमारी वो कितनी है, 8 मीटर है, ये हमारा हो जाएगा सी। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, अर्थात अगर हम पेड़ की ऊंचाई यच मान ले तो हमको इसी यच का मान ज्ञात करना है। तो अब एक चीज देखिए कि ए बी बराबर ए डी और प्लस बी डी, अर्थात इसका मान मिल जाए और इसका मान मिल जाए, ये दोनों मान अगर हमको मिल जाएंगे तो यही दोनों मान इसमें रख देंगे और मान निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बी डी निकालते हैं, तो हमको पता है बी डी, बी डी और बटे क्या दिया गया है बी सी, तो बी डी क्या है, बी डी हमारा लंब है यानी कि यल, और बी सी क्या है, बी सी हमारा आधार है ए। तो ऐसा कोई सूत्र बताइए जो यल अपान ए हो, तो देखिए यल अपान ए का मतलब क्या, टी टी का मतलब टैन थीटा, इसका मतलब कि टैन थीटा बराबर यल अपान ए। तो चलिए मान कर दीजिए थीटा का मान कितना है 30 अंश है, तो टैन 30 अंश बराबर लंब ज्ञात करना है, तो लंब हमारा क्या है बी डी है और बटे आधार, आधार हमारा है 8। अब देखिए टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो टैन 30 अंश की जहां पे 1/√3 लिख देंगे बराबर बी डी अपान 8। यहां से जब तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी डी यानी कि √3 बी डी बराबर 8, तो बी डी बराबर 8/√3
3, ये चीज है, इतना मान हमको BD का मान हमको मिल गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हमको निकालना क्या है, AD निकालना है। ये बताइए कि जो AD है यही जब टूटा तो टूट करके यहां पे क्या हुआ, लटक गया, अर्थात जो दूरी ये है यही चीज तो लटक गई यहां पे, तो इसका मतलब कि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी, अर्थात AD बराबर DC। तो हम CD निकालेंगे, तो CD और बटे CD का मान हो गया और बटे क्या है, BC है। तो CD क्या है हमारा, CD हमारा कर्ण है और बटे BC क्या है, आधार है। ऐसा कोई सूत्र बताइए जो हमारा कर्ण बटे आधार हो। तो देखिए, कर्ण बटे आधार कोई सूत्र है तो ये है, देखिए कर्ण बटे आधार यानी के अपान ए, तो ये हमारा कास का था आधार बटे कर्ण। तो जब कर्ण बटे आधार करेंगे या फिर आधार बटे कर्ण अगर करने हैं तो किसका मान होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो थीटा का मान कितना है, 30 अंश, यानी कि कॉस 30 अंश बराबर आधार, आधार है 8 और बटे कर्ण, कर्ण का मान हमको निकालना है यानी कि सी टी। तो कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो चलिए √3/2 बराबर 8/CD, यहां से निकालेंगे तो √3CD बराबर 8 × 16, तो CD बराबर 16/√3। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये जो CD है, ये CD किसके बराबर है, AD के बराबर है, क्योंकि AD बराबर CD, तो बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3। हमने AD बराबर CD क्यों लिखा, समझ में आया ना भाई, यही पेड़ तो टूट के गिरा है नीचे। अगर हम, हमारे पास इतनी लंबी पेड़, इतना लंबा पेड़ था और ये पेड़ बीच से टूट के लटक गया, तो लटका जितना टूट के लटका है यही चीज तो खड़ा था, अर्थात जितना ये है यही चीज तो ये भी है, तो वही चीज लिखा हुआ है, जितना खड़ा था वही हमारा गिर गया। तो हमको ज्ञात क्या करना था, AB ज्ञात करना था। तो AB बराबर, देखिए AD का मान हम कहां निकाले हैं, AB बराबर AB + BD, तो AD का मान है 16/√3 और प्लस BD का मान है 8/√3। तो चूंकि √3 दोनों में है, √3 लघुत्तम ले लेंगे और 16 + 8, तो 8 × 6 = 14, यानी कि 24/√3 हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहे तो 24 × √3/√3 × √3। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 24√3/3, या फिर 3×8=24, यानी कि 8√3 मीटर। तो पेड़ की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 8√3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिए, नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह 1 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, जबकि एक अधिक उम्र के लिए 3 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक पार्क है, जो पार्क बनाया है तो वो चाहता है कि हम बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी बनाए। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर फिसलन पट्टी है क्या। फिसलन पट्टी का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के आसपास कहीं प्राइमरी स्कूल है तो आप वहां जाएं तो देखेंगे कि बच्चे चढ़ करके और उस पर फिसलते हैं, तो वही है फिसलन पट्टी। और ये जो है 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, तो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। चलिए हम 2 फिसलन पट्टी बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी तरह होता है, बच्चा यहां पे जाता है और यहां से फिसलता है। दो फिसलन पट्टी बना दी गई। तो कह क्या रहा है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए।
जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, अर्थात 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है इसका शिखर। उसके बाद भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये जो है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात दूसरा जो लगाता है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर रखता है, और जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, अर्थात भूमि के साथ ये कितना कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, अर्थात हमको इसी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा, यही चीज है। तो चलिए हम इसका नॉमिनेशन कर देते हैं ए बी सी, और इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ए सी का मान ज्ञात करना है, हमको पी आर का मान ज्ञात करना है। अगर आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। आप लोग बाल मेरा मत देखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और दुकान खुली नहीं थी, इसलिए हमने जो है बाल कटवाया नहीं और बाल हमारे कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हमको ज्ञात करना है एसी, क्या ज्ञात करना है एसी। हमको दिया क्या गया है एबी, क्या दिया गया है एबी, अर्थात कोई ऐसा फार्मूला बताइए जो हमारा एबी अपान एसी, अर्थात एबी क्या चीज है, एबी हमारा लंब है और एसी क्या है हमारा, एसी हमारा कर्ण है। तो ऐसा कोई सूत्र बताइए जो लंब बटे कर्ण होता हो। तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान है 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है हमारा 1.5 बटे कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण हम ऐसे लिख देंगे, या कर्ण की जगह पे हम लिखना चाहें तो एसी लिख सकते हैं। तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान हमने बताया कि 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर 1.5 अपान एसी। तो यहां से इसका इसका गुणा करेंगे, एसी का घन एसी बराबर 1.5 × 2 करेंगे तो 3.0 मीटर, यानी कि छोटे बच्चे की जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम दूसरा देखें, इसको सॉल्व करें, तो देखिए आपको क्या दिया गया, हमको दिया गया है पी क्यू और निकालना क्या है पी आर। तो ऐसा कोई फार्मूला बताइए जो पी क्यू, पी क्यू का मतलब लंब और बटे पी आर का मतलब कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण का मतलब साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, थीटा का मान यहां पे है 60 अंश, तो साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब का मान दिया गया है 3 और बटे कर्ण का मान निकालना है, और कर्ण यानी कि पी आर। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 3/PR, या फिर इसका इसका गुणा करें तो पी आर बराबर 3×6 और ये √3 बराबर 3×6 ये कर लेंगे हम। तो यहां से जब हम पी आर निकालेंगे तो 6 और ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे √3, तो 6/√3, या फिर पी आर बराबर 6√3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6√3 और बटे 3, तो 3×6 अर्थात 2√3 मीटर। इसका मतलब कि बड़े बच्चों की जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 2√3 मीटर की लंबी, और जो दूसरी वाली छोटे बच्चे वाली लगेगी वो होगा 3 मीटर। तो आज हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप लोग इसको देखिए, समझिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो है ये सीरीज, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि हाई स्कूल की पूरी मैथ आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाए।